ये ढीली ना हो, मिक्स होनी चाहिए सॉइल एकदम भुरभुरी। ये जो है ना फर्टिलाइजर एकदम डेले से डेले बने हुए थे, ये गोबर के डेले जैसे अभी कल आगे देखे थे, ये जो सूख गए हैं ये पड़े हुए हैं, फंगस इंक्रीज करेंगे। ये ऐसे डेले नहीं होने चाहिए, अगर ऐसे डेले हैं तो फेल हो गया समझ लो। ये क्या था, कच्चा गोबर था। ये ऐसे पाउडर फॉर्म में होना चाहिए ऐसे, है ना। उसके बाद ये सॉइल में अच्छे से मिक्स होना चाहिए, ठीक। ये सारा मिक्स हो गया, इसके बाद इस सॉइल को हम किसी चीज़ से ऐसे इकसार करेंगे। ये जो हमारी पुरानी साइटें चल रही हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ, समझ लो। जिनके पास पुरानी साइटें हैं, ये जो कभी भी ढेले वेले वाला गोबर होगा ये फेल है, इसको निकाल के फेंक देना बिल्कुल बाहर। कोई गड्ढा वड्ढा करवा देना, उसमें डाल के पानी डलवा देना, गल जाएगा। अब जो नया गोबर है उसमें डलेगा वर्मी और गोबर, बिल्कुल इस तरीके से पाउडर फॉर्म में बना करके आपने थोड़ा थोड़ा करके सब में डलवा दिया। फिर इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करा दिया सॉइल में, ठीक। अपने पास लखनऊ में प्लांट लगा हुआ, वर्मी कंपोस्ट मैन्युफैक्चर होती है वहाँ पे। कोई नहीं, लखनऊ में अभी नहीं चाहिए हमें, अगले साल चाहिए। नहीं, नेक्स्ट साल के लिए जो है बुकिंग होती है ना एडवांस, बनने जा रहा है लखनऊ में। हाँ, तो मिल जाता है लखनऊ में, बनने जा रहा है नई कंपनी का। नहीं देखो पहले से, ये सब हो गया हमारा, अच्छे से मिक्स कर लिया हमने गोबर और वर्मी दोनों जी सर। फिर उसके बाद हम इसको बिल्कुल इकसार कर देंगे सर, लेबर ले आएंगे बिल्कुल एक सर, हैं। अब हमें इसमें ट्रांस वो करना है, बीज बोना है। हम क्या करेंगे, कोई लोहे की ऐसी चीज़ लेंगे, या खुरपी ऐसी लगा दी, कोदाली टाइप की आती है, हमने ये नाली खींची बिल्कुल यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ से बिल्कुल अंदर भी नहीं होना चाहिए। जी जी, हमने इतना गहरा कम से कम ये लिया, चार अंगूर, बल्कि और भी गहरा होना चाहिए, पांच अंगुल गहरी कम से कम, इतना गहरा जी। इतनी गहरी आप नाली बनाएंगे उधर भी और इधर भी, और ये इतनी जगह यहाँ बची रहनी चाहिए, चार अंगूर ये इस पे छोड़ देंगे, है ना। हाँ, हाँ, पांच अंगूर इधर को भी बढ़ेगी ना, पांच अंगूर ये पांच लोहा आ गया। हाँ, ये जब आएगा तो बढ़ेगा, से बढ़ेगा, जड़ में दिक्कत होगी, राइजोम नहीं फैल पाएंगे ना, प्रोडक्शन घट जाएगा। पांच अंगूर छोड़ के बोना चाहिए, ये लेंगे, ऐसी नाली इधर बनाई, ऐसी नाली इधर बनाई, और उसके बाद हमने ये बीज यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ रखा। डिस्टेंस कितनी करेंगे, चार या छः सेंटीमीटर, शेड्यूल मिल जाएगा जो भी होगा, लेकिन कायदा कहता है कि एक गुलांद की दूरी होनी चाहिए। हाँ, हाँ, 7 इंच की कम से कम दूरी होनी समथिंग, क्योंकि राइजोम हॉरिजॉन्टल भागते हैं ना। हाँ, इसलिए जो मेरे को नॉलेज है वो तो ये है कि एक गुलांद होना चाहिए, बाकी शेड्यूल जो आएगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक। अगर गहराई आपको यही रखनी है, गहराई आपको हो सकता है, पौधे आएंगे इसमें, शेड्यूल में हो सकता है कि आपको 1-1.5 इंच दिखाएं, लेकिन आप ध्यान रखना, हमें अपनी समझ से काम करना है। 1-1.5 इंच की गहराई पर अगर हम बीज डालेंगे तो हमारी हल्दी अच्छी नहीं बैठेगी, वो सॉइल पर डिपेंड करता है। अगर बलुअर है अपने यहाँ जो सिल्ट क्ले है, हाँ, तो उसमें ज़्यादा डीप जाएगा। बलुअर है तो उसमें आप 1.5 इंच पे बो देंगे तो ठीक है, क्योंकि उसमें एयर पोरोसिटी ज़्यादा होती है, हाँ, तो हॉरिजॉन्टल बहुत तेज से फैलेगा, वो प्रेशर नहीं लेता है, हाँ, राइजोम पे। और इसमें जो है सेटी सॉइल होती है, दबाता है राइजोम को, इसमें पौधा की हाइट भागती है और उसमें जो है राइजोम भागता है, राइजोम भागता है। इन चीज़ों का ध्यान रख के, अरे भैया मैंने बहुत अच्छे से मतलब जब ये सारा बीज आपका इस तरीके से रख दिया जाए, मतलब जैसे ये वाली ट्रे हम काम कर रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक का जितनी, ये सारा ऐसी नाली बन गई, पहले रो बन जाएगी, रो बन गई, उसके बाद सीट, उसके बाद ही सीट रखना शुरू किया, पूरे कंप्लीट सीट्स रख दिया गया। आप अपनी आंखों से एक बार चेक करेंगे, ये नहीं कि आपने ये 1, 2 और 3 चेक कर ली, सारी ऊपर देखा ही नहीं, ऊपर चढ़ जाओ देख करके आओ लेबर ने सही किया है कि नहीं किया है। उस लेबर को इस बात को आप डांट के रखें, प्यार से कहें, गुस्से से कहें, कैसे भी कहें, लेकिन कि भाई गलत अगर करोगे तो सैलरी कट, सैलरी खत्म, पैसा नहीं मिलेगा। देर हो रही है कोई बात नहीं, 1 दिन एक्स्ट्रा लग जाएगा, काम अच्छा होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी ना हो कि वो उस बात को लेबर हल्के में ले ले, उन्होंने कहा देर हो रही है तो कोई बात नहीं साहब, तो कह रहे हैं हमारे, ऐसा भी नहीं। इसलिए आप अपनी नज़रों के सामने काम कराएंगे, अच्छा काम कराएंगे। जब पूरी ट्रो में ये रोपन हुई, फिर उसके बाद सारे में बीज रख दिया गया, उसके बाद आप कहोगे कि भाई अब इसको अब दबा दे। अगर आप कहोगे कि यार पहले एक बनाता चला जा, फिर बीज रख के दबाता चला जा, तो किस किस को ध्यान दोगे, गड़बड़ कर देंगे, गड़बड़ कर देंगे, डिस्टेंस भी गड़बड़ हो जाएगी, डिस्टेंस भी गड़बड़ हो जाएगी। पहले उससे कहो कि भाई ये नाली बना, समय बन गई, उसके बाद कोई सीट रख दे। आपने वेरीफाई किया सीट सही रखा हुआ है,
ये ध्यान रखना कौन आदमी किस टाइम किस रो में काम कर रहा था उसको पकड़ लो, साले तूने क्या किया है, दोबारा करो और आधे दिन की याद है तो छुट्टी कर ले जा, आज के बाद काम पे आने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, सबको समझा दिया, सबकी वेरीफाई कर लिया आपने, ठीक कहा है, उसके बाद कहोगे अब भाई इसको बंद कर दो। अच्छा, इसमें सॉइल ट्रीटमेंट करने के लिए बावस्टे वगैरह कैप्टन थ्राम कुछ नहीं मिलाते हैं? सब मिलाते हैं, अगर जिस नई नई साइटों पर तो पहले से मिला कंप्लीट होया है, सेकंड टाइम में से ट्रीटमेंट के लिए सेकंड टाइम में सब जो भी शेड्यूल आएगा उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे। हमें कंपनी अकॉर्डिंग चलना, ना कि अपने अकॉर्डिंग चलना, हमें अपना कुछ नहीं करना, जो कंपनी कह रही है हम उसके हिसाब से काम करेंगे, अपना दिमाग हमें नहीं चलाना, अपना चलाएंगे हॉकी एरिया में। हाँ बस हॉकी एरिया, बस आपने ये कर दिया, ये ड्रिप पाइप है, सीधा होना चाहिए, ये ऐसे और ऐसे होगा तो पानी इधर या उधर ही, सीधा होना चाहिए बीच में, ऐसे ना होकर के बीच में नहीं साइड में थोड़ा, जहाँ पे ये सीड है, नहीं नहीं एक ही ये बीच बिल्कुल, आपने एक ही साइड यहाँ लगाया, जो इसके ऊपर की छेद है ये भर के ये अपना कवर कर लेगा, जहाँ पे पानी कम होगा ना ये अपना कवर कर लेगा, तो नीचे डीप करेगा, ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, इसके सेंटर में ये आपने पाइप रख दिया, ये जब गीला करेगा तो दोनों तरफ को जाएगा पानी, ठीक हो गया। उसके बाद जब ये ट्रे भर जाती है ना ये पूरी होती है, वो ऑटोमेटिक नीचे वो कर लेगा, जब भी आप पानी लगाओ तो नीचे की तीन ट्रे छोड़ के लगाओ, एक दो तीन, फर्स्ट टाइम में तो आप लगा लो सब में, फिर उसके बाद नीचे की ड्रिप हमेशा के लिए बंद कर दो, क्योंकि ये पानी ऊपर से सब नीचे जब ऊपर चलेगा पानी ना, ऊपर चलेगा तो ये सब भरती चली जाती है, उसके बाद यहाँ से इन छेदों से पानी नीचे गिरता है और ये तीन ट्रे अपने आप ही कवर हो जाती है। लगने के बाद यहाँ से लेके वहाँ तक ये हाथ से ये लेवल आराम से पूरा होना चाहिए, ताकि ये जो ऊंचाई है ऐसे पानी इकट्ठा ना हो। ये लेवल करने के लिए ऐसी ही कोई चीज लेनी पड़ेगी लकड़ी का, जैसे ये बराबर का मतलब इससे ये हमने यूं करके इकसार कर दिया, अगर ये ऊपर नीचे होगा ना तो यहीं पे पानी स्टोर हो जाएगा और जहाँ पे ज्यादा पानी लगेगा वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इसकी प्रथम सिंचाई कब देनी पड़ेगी? बीज लगाते के साथ ही तुरंत, आज भी आपने बीज लगा दिया कंप्लीट हो गया पानी लगा, कोई भी सीड वाली क्रॉप लेना है या ट्रांसप्लांटिंग करानी तो इरिगेशन मतलब तुरंत आपको पहली सिंचाई तुरंत देनी होती है, पहली सिंचाई तुरंत, कोई भी क्रॉप आप बीज लगाए आज तुरंत, वो शेड्यूल आपको सब मिलेगा, पूरा एक पर्चा मिल जाएगा आपको, इस ढंग से करो, इतने दिन में ये वाली ऐसे ही लगाओगे और इतने दिन में ये लगाओगे, ये सारा शेड्यूल मिलेगा, एक बराबर होना चाहिए, ये लेवल होना चाहिए, ये कंपनी देखने नहीं आ रही है, ये आपको करना है, ये पूरा यहाँ अच्छे उत्पादन के लिए। और सॉइल का क्या करना है, हम थोड़ा सा ये मिट्टी हटा के ये देखते हैं इस तरीके से लड्डू बनाते हैं, जो इसमें डेले होंगे ना मिट्टी के वो नीचे फेंक देना, इस तरीके से हम लड्डू बनाते हैं, अगर ये लड्डू बन गया हमारे हाथ में मिट्टी आई इतनी आई है ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, है ना, इससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, इस डेले को आप फिर बाद में फोड़ दो तो ये डेला फूट के बिल्कुल बिखर भी गया, देखो है ना, लौंदा टाइप का जो कहते हैं ना वो नहीं बना, और हाथ पे जो आया ज़्यादा नहीं है, अभी नमी ठीक है, ये नमी ठीक है, अगर हम ये करते हैं और किचर किचर हो जाती है बिल्कुल हाथ पे लिथड़ जाता है एकदम, वो बेकार है, ज़्यादा नमी, और अगर इसका डेला भी नहीं बन, ये लड्डू भी नहीं बन पा रहा है तो भी बेकार है, बस इतना गहरा खोद के देख, ऊपर ऊपर से मत करना है ऐसे, ये लड्डू हमने बना लिया, लड्डू बन गया, अगर इसका लड्डू ना बने तो समझ लो नमी नहीं है, बेकार है, इसका लड्डू बन गया और यूं फूट भी गया, आराम से बिखर गया सब, और हाथ पे हमारे मिट्टी लगी भी नहीं, इसमें हो सकती है अभी, है ना, ये नमी ठीक है, कहीं पे भी आप पानी लगा रहे हो उस चीज़ का ध्यान रखना, अब ये है ना ये देखो ये सूखी पड़ी है।